वाले जो नागरिक हैं उनको क्या करना चाहिए, सर्वप्रथम यज्ञ का प्रणयन करना चाहिए, यज्ञ रचाना चाहिए, क्योंकि यज्ञ में ही सारा का सारा अपने जीवन का विधि विधान समाया हुआ है। वो यज्ञ ही हमें सिखाता है कि जीवन में हमें कैसे आगे बढ़ना है, किस प्रकार से कष्टों को दूर करना है, किस प्रकार से संकल्प शक्ति को अपने मन में लेकर के आगे बढ़ना है, और किस प्रकार से ज्ञान का प्रकाश एक आत्मा से दूसरे आत्मा तक पहुंचाना है। तो ये सारी की सारी बातें जो हैं हमें वेद मंत्रों से प्राप्त होती हैं। तो और इन सभी को प्राप्त करने के बाद जब मनुष्य जो है उन्नत बनता है, समुन्नत स्थिति को प्राप्त हो जाता है, तब जाकर के हम इस वाक्य को सार्थक कर सकते हैं कि मनुर्भव जनया दैव्यम जनम। आप मनुष्य बनिए और अपने अंदर जितनी भी दिव्य शक्तियां हैं उन दिव्य शक्तियों को उद्बुद्ध कीजिए, प्रकाश में लाइए, और उन दिव्य शक्तियों से दूसरों को भी आप दिव्य मार्ग बताने वाले बनिए, दिव्य ज्ञान का प्रकाश करने वाले बनिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेती हूँ। ओम शब्द। चारा चला धन्यवाद। हम लोग కార్యక్రమానికి చాలా మంది విద్వాంసులు విచ్చేశారు, ఇంకా పుర ప్రముఖులు కూడా విచ్చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. అలాగే ఇప్పుడు మన మధ్యలో పెట్టూరు వెంకటేశ్వరరావు కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని సఫలం చేయడానికి వచ్చేసారు. వారికి స్వాగతం, సుస్వాగతం. శ్రీనివాస్ గారు, వకీల్ రామచంద్రరెడ్డి, వకీల్ సక్కు రామరాజ్, చంచల శర్మ, आपके साथ आ रहे क्या ना? तो रामन ने राम बड़ा मेरे को उनका दाश रहती हैं तब। ये समाज, ये संस्था मुंडो के लाल अंडे छुट्टी का कलम अपन के ग्रामा लोगों के अपन के आर्य समाज के अंदर बड़ा ये संस्था तो संबंध में ये उनका रो వారు కూడా వారి యొక్క సహకారం ఈ సంస్థకు చాలా అవసరమని మీ అందరితో విన్నపం చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు వీరి యొక్క భజన ఉంటుంది.